और उससे बीसीसीआई खुश नहीं है, उन्होंने आईसीसी में भी अपील किया, उसको उन्होंने इग्नोर किया, खारिज कर दिया। क्या लगता है आपको कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हमेशा हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ में मिसबिहेव करते हैं, लेते हैं, तो क्या हमें भी उन्हीं की तरफ पर उनसे वैसा ही जवाब देना चाहिए या फिर हम लोगों को धक्का खाकर मारकूट करके निकल आना चाहिए? नहीं, और सुनील जी हमें क्या हो रहा है, लास्ट टाइम वो हरभजन सिंह के साथ उन्हीं भी हमेशा जो ये टीम चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, जब भी हम लोग वहां पे जाते हैं खेलने के लिए, जब तक वो लोग हमें बोलते रहते हैं हम चुप रहते हैं। जब हम लोग बोलने के बाद वो लोग शुरू करते हैं कि अंपायर्स को, मैच रेफरी को कंप्लेन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप ग्राउंड की बातें ग्राउंड में ही छोड़ दो, ग्राउंड की बातें ग्राउंड में ही छोड़ दो। आप तो ग्राउंड से एक बार बाहर आ गए बस है, हीट ऑफ द मोमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं एक कुछ चीज बोलता हूँ, आप भी एक चीज बोलते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों खिलाड़ी आए हुए खेलने के लिए, जीतने के लिए, वो तो होता रहता है, गर्मा गर्मी होती रहती है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से जो मैं सोचता हूँ, हमने भी बहुत प्लेयरों से, मैंने भी वो किए हुए, आर्ग्यू किए हुए प्लेयरों के, ग्राउंड की तरफ है, बाउंड्री लाइन के बाद बस सिर्फ दोस्ती है, वो रखना चाहिए। चाहे आप क्रिकेट आप यू प्ले इन द राइट स्पिरिट, देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर क्रिकेट, एंड जो नाराज उसको अंदर ही छोड़ देना चाहिए। तो इंडिया ने जो कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल सही है, जो कैप्टन के हिसाब से तो फिर वो सही है बात है। तो आप जस्टिस, आप सबको, दोनों को तरफ से जस्टिस होना चाहिए ना सर। 96 के वर्ल्ड कप बिलीव करना है, एक बिलीव आपका स्ट्रेंथ में बिलीव करना है, बट आउटकम में आपको आउटकम पता नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बट ऑब्वियसली हम जब भी हम बॉलर्स जाते हैं अंदर, विकेट लेने के लिए जाते हैं और पांच विकेट लेने के लिए जाते हैं, हर चाहे वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो, हर इनिंग्स में हम पांच विकेट लेना ऐसे करके सोच के जाते हैं हम लोग। तो एंड टू गेट दोस फाइव विकेट्स, आपका जो स्ट्रेंथ है, स्किल का स्ट्रेंथ है आपका, तो उसमें बिलीव करना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, बट द रेस्ट वाज हिस्ट्री। वो यू नो हुआ, एंड इट वाज, यस ऑफ कोर्स आई वाज, यू नो, बहुत प्रेशर था वो, जब मेरे को चार मारा और उसके बाद कुछ बातचीत हुआ और यू नो ही वाज जेस्चरिंग विद हिज बैट एंड हिज फिंगर्स, हैंड्स एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कुछ बातचीत हो रहा था और ज्यादा प्रेशर था क्योंकि उन लोग अच्छे भी खेल रहे थे तभी,